हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से, और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का वीक 7 शुरू कर रहे हैं। और आज हम मॉड्यूल 7.1 में सीखेंगे कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म जो आपने सीखा था पहले, उसको अगर हम कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कैलकुलेट करते हैं तो उससे क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, जो इस हफ्ते का मेन टॉपिक है। तो आज हम सीखेंगे मॉड्यूल 7.1 फूरियर ट्रांसफॉर्म इन कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिसको जैसा कि मैंने बताया, जिसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, उसके पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन क्या था। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो बेसिकली एक टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आपके पास अगर कोई सिग्नल हो एक्स ऑफ टी, तो उसका अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो आप ऐसा एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, जहाँ पे जे इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। अब यहाँ पे ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे अब इसके दो लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन तो ये है कि जैसे हमने जो कंडीशन देखे थे, डिरिक्लेट कंडीशन जो बताते हैं कि एक गिवन सिग्नल x ऑफ t के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो उसमें तीन कंडीशंस थे। और उसका पहला कंडीशन ये था दैट x ऑफ t मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, यानी कि फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म टू एग्जिस्ट आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ x ऑफ t डी टी शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। लेस देन इन्फिनिटी का मतलब है कि ये जो इंटीग्रल है ये फाइनाइट है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्टेंस के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है। हालांकि हमने एक फंक्शन देखा था, यूनिट स्टेप फंक्शन, जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, पर फिर भी हम उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा फंक्शन को यूज करके लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी वो एक एक्सेप्शन है। ज्यादातर सिग्नल्स जिनके लिए ये कंडीशन वैलिड नहीं होती है, उनका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम्स एनालिसिस में ऐसे कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनका जो इम्पल्स रिस्पांस होता है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं जिनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये एक रिस्ट्रिक्शन है जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं। सो द यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि सर्टन important signals do not obey this criteria। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जैसे हमने देखा था कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का कॉन्सेप्ट है वो LTI सिस्टम्स एनालिसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि LTI सिस्टम्स में जो टाइम डोमेन जो इनपुट आउटपुट होता है उनके बीच में रिलेशन कॉन्वोल्यूशन का होता है, जो कि कई बार निकालना मुश्किल होता है अगर आपका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो एक सिंपल फंक्शन ना हो। तो उसकी जगह पे लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में LTI सिस्टम्स को एनालाइज करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम जानते हैं कि जो आउटपुट है वाई ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाई जो इनपुट है एक्स ऑफ जे ओमेगा, वो एक फंक्शन होता है एच ऑफ जे ओमेगा, जिसे हम उस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इस फंक्शन को एनालाइज करके हम उस सिस्टम की काफी सारी प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन एच है ये इनपुट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है और एक गिवन सिस्टम के लिए ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि जो एच ऑफ जे ओमेगा होता है वो सिस्टम की काफी सारी प्रॉपर्टीज को तो स्टडी करने में मदद करता है, लेकिन ऐसे भी कई प्रॉपर्टीज हैं जिनको
स्टडी करना इस फंक्शन के थ्रू मुश्किल है। और अगेन जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे भी कुछ एलटीआई सिस्टम्स होते हैं जिनका जो एच ऑफ टी है, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उनके लिए कैपिटल एच ऑफ जे ओमेगा निकालना भी संभव नहीं है। तो अगेन वो एक रिस्ट्रिक्शन है जो हमें सिग्नल प्रोसेसिंग के सिग्नल्स एज वेल एज सिस्टम्स को एनालाइज करने में रुकावट पैदा करता है। तो अगेन जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे दैट ये जो फॉर्मुलेशन है, दिस डजंट कैप्चर सर्टन इंपॉर्टेंट सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसीलिए ऑल्दो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और ये काफ़ी हमारी मदद करती है सिग्नल सिस्टम्स एनालाइज करने में, लेकिन हमें इसके आगे बढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास एक जनरल टेक्निक है जिससे हम सिग्नल्स और सिस्टम्स के और कई सारे प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज कर सकते हैं और जहाँ पर ये लिमिटेशंस हमें नहीं रोकती हैं। तो उस फॉर्मुलेशन को कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इंटरेस्टिंगली फूरियर ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक स्पेशल केस है। तो देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जहां पे हम बस इतना चेंज कर रहे हैं कि यहां पे जो हमारा ई पावर माइनस जे ओमेगा टी है, वहां पे जो जे ओमेगा है ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पे ये जो हमारा जी ओमेगा है ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस इमेजिनरी नंबर को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर में तब्दील कर रहे हैं, यानी कि जे ओमेगा की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे एस विच इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो ऐसा करने से हमारा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। यानी कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो है एक्स ऑफ एस, जैसा कि मैंने बताया एस इज नाउ इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और यहाँ पे सिग्मा और ओमेगा दोनों ही रियल नंबर हैं। तो एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी dt। यह है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब देखते हैं कि ये हमने जो चेंज किया, हमने जे ओमेगा की जगह पे सिग्मा प्लस जे ओमेगा लिख दिया, इसकी वजह से जो ये रिजल्ट आया कैपिटल एक्स ऑफ एस, उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है या क्या खास बात है जो हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म में नहीं मिलती है। तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका एक्सप्रेशन होता है कैपिटल एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टी ई पावर माइनस एस टी डी टी। यहाँ पे एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और सिग्मा और ओमेगा दोनों ही कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो अभी हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके एक सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। उसके पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। तो वो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। अब इसका हम अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e पावर माइनस ए टी u ऑफ t e पावर माइनस जे ओमेगा t dt। अब क्योंकि जो u ऑफ t है वो यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो नेगेटिव टाइम के लिए वो जीरो होता है और पॉजिटिव टाइम के लिए वो यूनिटी होता है। तो ये इंटीग्रल हमारा बन जाएगा जीरो से इन्फिनिटी
e power minus a plus j omega t dt. और आप इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, तो उससे आपको मिलेगा 1 बाई ए प्लस जे ओमेगा. लेकिन ये तभी वैलिड होगा अगर ए हमारा पॉजिटिव है. अगर ए हमारा अगर नेगेटिव है तो ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव ए के लिए आप इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं. अब हम देखेंगे कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है उसमें ये लिमिटेशन नहीं है, और आप नेगेटिव ए के लिए भी आप उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं. तो अब इस फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और देखते हैं कि ये क्या होगा. तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रल, अगेन सेम फॉर्मूला, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए टी u of t. अब यहाँ पे फर्क इतना है कि e power minus j omega t की जगह पे हमारे पास e power minus st है dt. So this is equal to integral 0 to infinity e power minus a plus s t dt. ये 0 से infinity इसलिए हो गया अगेन क्योंकि u of t हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है, और नेगेटिव टाइम के लिए वो जीरो है और पॉजिटिव टाइम के लिए वो यूनिटी है. तो इसको हम अब अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ई पावर माइनस ए प्लस एस टी बाई माइनस ए प्लस एस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी. अब यहाँ पे हम अगर इस एक्सप्रेशन में अगर ये लोअर लिमिट जीरो पुट करते हैं तब तो ये हो जाएगा 1 इरेस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा a और s क्या है. लेकिन हम जब इसमें जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तब ये एक्सप्रेशन 0 भी हो सकता है और इन्फिनिटी भी हो सकता है. तो ये इन्फिनिटी कब होगा? ये इन्फिनिटी तब होगा जब जो a प्लस s का जो रियल पार्ट है जब वो नेगेटिव होगा. क्योंकि जब a प्लस s का रियल पार्ट जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे एक्सपोनेंशियल जो होता है वो इन्फिनिटी होता है. और यहाँ पे सिर्फ इसका रियल पार्ट माने रखता है क्योंकि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वजह से ई पावर जो इमेजिनरी पार्ट है वो सिर्फ एक साइनोसॉइडली वेरिंग फंक्शन होता है. वो ना तो जीरो पे जाता है ना तो इन्फिनिटी पे जाता है, वो सिर्फ ऑसिलेट करता रहता है. लेकिन जो रियल पार्ट है उसकी वजह से ये सिग्नल इन्फिनिटी या जीरो पे जा सकता है. यानी कि इस एक्सप्रेशन के दो अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं. पहला रिजल्ट तो है माइनस इन्फिनिटी इफ रियल पार्ट ऑफ ए प्लस एस इज लेस देन जीरो, और दूसरा रिजल्ट है 1 बाई ए प्लस एस इफ रियल पार्ट ऑफ a प्लस एस इज पॉजिटिव. क्योंकि अगर रियल पार्ट ऑफ a प्लस एस अगर पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू इन्फिनिटी विल बिकम इन्फिनिटी, और e पावर माइनस इन्फिनिटी इज जीरो. तो इन्फिनिटी की वजह से ये जीरो हो जाएगा, और फिर हम जब जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम यहाँ हमें 1 बाई ए प्लस एस मिल जाएगा, जो कि है हमारा ये एक्सप्रेशन. यानी कि ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका जो रिजल्ट है, जो एक्सप्रेशन है फाइनली, वो सिर्फ a पे डिपेंड नहीं करता है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है s के ऊपर में. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म के बीच में, कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सिग्नल है x ऑफ t उस पे डिपेंड करता है, बट हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल पे तो डिपेंड करता है लेकिन वो s पे भी डिपेंड करता है. यानी कि आप किसी भी गिवन सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ s वैल्यूज के लिए आप निकाल सकते हैं. तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन माइनस रियल पार्ट ऑफ a. तो हमारा अगर s का जो रियल पार्ट है यानी कि सिग्मा, रियल पार्ट ऑफ s को हम बोलते हैं सिग्मा, तो हमारा अगर सिग्मा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा हमारे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है.
और ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ एस वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जिसके बारे में हम आगे के मॉड्यूल्स में और भी जानेंगे, या फिर जिसे आरओसी भी कहते हैं। तो अगेन मैं बता दूं कि जैसे हमने पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन देखा, फिर उसमें जो फ्रीक्वेंसी टर्म था जे ओमेगा, उसको हमने कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और फिर जे ओमेगा की जगह पे हमने एस लिख दिया, तो उससे हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म से एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हमें मिल गया, जिसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला और देखा कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हर वैल्यू ऑफ एस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, और एक रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एस के लिए एग्जिस्ट करता है, जो हमें इस एक्सप्रेशन से मिलती है। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि अगर हमारा ए अगर सपोज नेगेटिव होता तो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन नेगेटिव ए के लिए भी हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। बस फर्क इतना होगा कि जो हमारा ये जो कंडीशन है इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर एस की वैल्यूज इस रेंज में अगर आप लेंगे तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, और इस रेंज को कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। यानी कि आपके पास अगर कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो वो सफिशिएंट नहीं है, आपको उस एक्सप्रेशन के साथ में उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी बताना पड़ेगा, तभी जाके वो एक वैलिड लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जैसे हमने इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था, यानी कि आपके पास अगर x ऑफ t दिया हुआ है तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, लेकिन आप एक एक्सप्रेशन दूसरा एक्सप्रेशन यूज करके आप इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म भी निकाल सकते हैं। यानी कि आपको अगर कैपिटल x ऑफ j ओमेगा अगर दिया हुआ है तो ऐसा ही एक फॉर्मूला यूज करके आप x ऑफ t भी निकाल सकते हैं। अब ये सवाल है कि क्या हम इसी तरीके से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी निकाल सकते हैं, तो द आंसर इज यस, लेकिन वो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि जब आपने इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था तो आपने कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा को ओमेगा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, यानी कि ओमेगा एक रियल नंबर है, और जैसे हम टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसी तरीके से आपने ओमेगा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था और आपको एक्स ऑफ टी मिल गया था। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एस, जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको एस डोमेन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसे कर पाना हर एक सिग्नल के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हम इस तरह का फॉर्मूला यूज करके नहीं निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ऐसे इंडिपेंडेंट यूनिट्स के रूप में लिखते हैं जिनका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम ऑलरेडी जानते हैं, जो कि स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, और उनकी मदद से हम फिर एक गिवन फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, और आगे के मॉड्यूल्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कई और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। थैंक यू।